हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो आज मैं लेके आ गई हूँ दो नया रेसिपी। आई होप ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं दो ऑनियंस लिया है। ऑनियंस को छोटा छोटा पीस करके काट करके लेना है। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा पीस करके ऑनियन कट कर लिया। ग्रीन चिली ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लूँगी। थोड़ी सी शुगर ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर ऐड कर दिया। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, मैगी का मसाला ऐड कर लूंगी। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा ऑर्गेनिक पाउडर ऐड कर लूंगी, स्किप भी कर सकते हैं आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। अभी सब कुछ एक साथ एक बोल पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं 10 रुपीस का एक मैगी पैकेट लिया है और अभी इसको मैं मिडिल से दो पार्ट कर लूंगी। मैगी को बॉईल करना है और बॉईल करने के लिए मैं ओवन पे ऑलरेडी एक कढ़ाई बैठा दिया और थोड़ा सा पानी लेके डाल देना है। पानी गर्म होने के बाद सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉयल हो चुका है। अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। मैगी को पानी से निकल के एक बोल पे रखा है, जो मिक्सिंग पहले बना के रखा था बोल पे। अभी मैं मैगी के अंदर सब कुछ डाल दूंगी। स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं 2 एग ऐड कर दिया है, आप लोग इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है। अभी मैं कढ़ाई पे थोड़ा सा व्हाइट ऑयल दे दिया और ऑयल गर्म होने के बाद बना हुआ मैगी अच्छे से ऊपर से कढ़ाई पे डाल देना है। 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लेना है और 2 मिनट बाद उसको साइड को चेंज कर देना है ऐसे स्पून और स्पैचुला के साथ। देखिए, एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी मैं गैस ऑफ कर दूंगी। एक मैगी एक प्लेट पर रख दूंगी। अभी दूसरा रेसिपी बनाने के लिए एक पहले जैसा एक मिक्सिंग बना लिया है और अभी एक मैगी को मैं क्रश कर लिया है और थोड़ा सा भुजिया भी ऐड कर लूंगी और भुजिया को भी क्रश कर लूंगी। एक ऐड कर दूंगी मिक्सिंग करने के टाइम। अभी सब कुछ एक साथ मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और अभी एक कढ़ाई पे थोड़ा सा ऑयल दे दिया है और जो मिक्सिंग है उसको मैं छोटा छोटा करके राउंड शेप बना लूंगी। अभी ऑयल गर्म होने के बाद वो मैगी का बॉल ऑयल पे छोड़ दिया है और 2 मिनट बाद वो साइड को चेंज कर देना है। और देखिए, यहाँ पे वो गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अभी दूसरा साइड को भी ऐसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे रेडी हो चुका है हम लोगों का एक मैगी बॉल। देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है। और अभी मैं गार्निश यहाँ पे कर लिया है। एक ऑनियन रखा है और एक क्यूकम्बर भी है। आप करी लीव्स और कोरिएंडर लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ा सा मैगी पाउडर कर दिया और आप कोई भी सीजनल पाउडर ऐड कर सकते हैं।
तो या फ्रेंड्स दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। सो टाटा बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ स्टे हेल्दी।